नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले देना चाहेंगे आपको एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए एक हमने नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर यहाँ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपके हस्तरेखा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बुध की उंगली, बुध पर्वत से निकलने वाली एक उंगली, जिसको लॉजिक के लिए, तर्क के लिए, व्यवसाय के लिए, सही डिसीजन के लिए कहा गया, और बहुत छोटी उंगली है। आप अगर अपनी बाकी तीनों उंगली को देखें तो बहुत अच्छी लंबाई ली हुई है, लेकिन ये देखिए सूर्य के प्रथम पर्व से कितनी ज़्यादा नीचे रह गई। जीवन में व्यक्ति को डिसीजंस को लेकर सावधान रहना चाहिए, वरना अच्छा खासा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। गलत डिसीजंस के कारण, जल्दबाजी के कारण, साथ में बीच में बना हुआ इस प्रकार का गैप व्यक्ति को व्यावसायिक रूप में नुकसान देने में सक्षम है। सावधान रहिएगा। ये सूर्य की उंगली पहुंच गई है, लगभग अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, और इसका हल्का सा झुकाव शनि पर्वत की तरफ है, यानी व्यक्ति का रुझान अपने पितृजनों की तरफ है, अपने घरवार वालों की तरफ है। वो दिल से चाहता है कि उनसे प्रति उनका अच्छा सम्मान रहे, लेकिन बीच में आ रहा ये गैप कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता खड़ा कर देगा। शनि की उंगली व्यापारिक उंगली, शनि पर्वत से निकली हुई उंगली अपने आप में सीधी और पुष्ट खड़ी हुई है, यानी ये व्यक्ति को जीवन में काम देगी, कर्मठता देगी, काम के प्रति सीरियसनेस देगी। बृहस्पति की उंगली भी देखिए अपने आप में सीधी है, लेकिन बाद में जाकर उसका पर्व, अंतिम पर्व थोड़ा सा झुक गया है, और सूर्य की पर्वत उंगली से भी काफ़ी ऊपर निकल गया है यह हिस्सा। यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन, व्यक्ति की लालसा जीवन में रहती है, किसी न किसी तरीके से पैसा कमाता रहे। कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा लगा रहा है कि इसमें पैसे की आवत लगी रहेगी। बात करते हैं आपके बुध क्षेत्र की। देखिए बुध क्षेत्र थोड़ा सा फूला हुआ क्षेत्र है, और इस पे उठने वाली ये रेखाएं भी हैं। जैसे मैंने आपको पहला इंडिकेशन दिया, आप भले ही व्यवसायिक क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी खासी व्यवसाय रेखा है, और साथ ही साथ इस बुध क्षेत्र पर उठने वाली ये रेखाएं जो आपको इंडिकेशंस देती हैं कि आप व्यवसाय कर लेंगे, लेकिन उंगली आपकी ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो थोड़ा सा कोई भी डिसीजन ले उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और इसका आगामी समय का लाभ क्या होने वाला। एक देखिए मंगल क्षेत्र से एक रेखा निकली, पहुँच गई है बुध क्षेत्र तक। ये जब मंगल क्षेत्र से रेखा निकल के बुध क्षेत्र तक पहुँच जाए, व्यक्ति अपने काम को चलाने के लिए जी जान लगा देता है, बहुत अधिक मेहनत करता है। मैंने ऐसे लोगों को दिन रात मेहनत करते देखा है, और मेहनत के बल पर उनको यहाँ कामयाबी भी मिल जाती है। ये आपकी व्यापारिक रेखा ने भी बताया है, और ये आपकी इस मंगल रेखा ने भी बता दिया है। चलिए बात करते हैं सूर्य क्षेत्र की। सूर्य क्षेत्र पर उठने वाली इस प्रकार की ये रेखाएं, लेकिन इनको काटने वाली भी ये रेखाएं। अगर आप जीवन में चाहते तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर सरकारी नौकरी से फायदा ले सकते थे, लेकिन लोगों को मैंने यहाँ देखा है, कभी कभी लोग ऐसी कंडीशन में जिनको ये रेखाएं होती हैं, क्योंकि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। सरकारी टेंडर मिल जाता है लेकिन हाथ से निकल जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखते हैं। साथ ही साथ पिता पक्ष से भी वैचारिक मतभेद या पिता के अच्छे स्वास्थ्य के इंडिकेशन यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। चलिए बात करते हैं आपके शनि क्षेत्र की। शनि क्षेत्र पर उठने वाली इस प्रकार की ये रेखाएं जीवन में व्यक्ति को धन संपन्नता देंगी, काम देंगी, और जीवन के आगे आगे वाले वर्ष यानी 52-55वें वर्ष के बाद सुख संपत्ति प्रदान होगी। साथ ही साथ एक रेखा ये बृहस्पति क्षेत्र की तरफ से निकल के पहुंच गई है पूरे सूर्य क्षेत्र की तरफ। कभी कभी ऐसे लोगों को पैतृक रूप से काम मिल जाता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है, या कोई जुड़ा जुड़ा काम मिल जाता है, क्योंकि ये एक बुद्धिमता की एक रेखा जाके आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है। जो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने स्वयं के बल पर यश और प्रसिद्धि दिलाती है, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, और उसकी वो मेहनत कामयाब भी होती है, और उसको सामाजिक सम्मान भी मिलता है। बृहस्पति क्षेत्र पर जाने वाली ये रेखाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में मकान के लिए अच्छी है, व्यक्ति को स्वयं का घर मिल जाता है, अपने और स्वयं के द्वारा वो जीवन में 2 से 3 प्रॉपर्टी भी खड़ी कर लेता है, क्योंकि ये बृहस्पति का पर्वत सम पर्वत है, और रेखा भी उंगली भी बहुत अच्छी है, तो ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। बात करते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा अपने आप में थोड़ी सी बलवती होकर चली है और पूरी पहुंच गई है
बृहस्पति पर्वत को पार करते हुए। ऐसे व्यक्ति हृदय के बहुत ज्यादा सरल और स्पष्ट होते हैं। बात को गोल घुमाकर करना इनकी आदत नहीं होती। कहीं ना कहीं इनकी ये आदत लोगों को खलती भी है। मन के अंदर कोई ना कोई उझड़बुन हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हृदय रेखा का इतना ज्यादा मोटा होना थोड़ा सा व्यक्ति को बीमार भी करता है, पत्नी को बीमार करता है, और साथ ही साथ मन में किसी ना किसी प्रकार की उथल पुथल लगातार चलती रहती है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं जीवन में थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम या डायबिटीज से संबंधित समस्या भी आपको जीवन में झेलनी पड़ेगी। जैसा आपने मुझसे एक सवाल भी पूछा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्या रहेगा? तो मुझको अभी आने वाले समय में अच्छी खासी कंडीशन बढ़ती दिख रही है। थोड़ा अपना ध्यान दीजिएगा, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली है और बाद में जाके थोड़ा सा ढलवा होकर चंद्र क्षेत्र तक पहुँच गई है। मस्तिष्क यानी बुद्धि, लॉजिक, तर्क, आपका ज्ञान, और पहुँच गया है चंद्र पर्वत तक। चंद्र पर्वत तक मस्तिष्क रेखा का पहुँचना व्यक्ति को खाली नहीं बैठने देता। साथ ही साथ व्यक्ति का दिमाग किसी न किसी उधेड़बुन में लगा रहता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी यात्राएं भी होती हैं, क्योंकि आपके ये चंद्र क्षेत्र पर जितनी सारी ये रेखाएं जा रही हैं, ये किसी न किसी से बार 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 ये यात्राओं के अच्छे खासे एक संकेत यहाँ पर बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग टूर से, ट्रैवलिंग से, यातायात से, घर से दूर जाकर का काम करने में सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ एक रेखा जो आपकी मणिबंध रेखा से निकलती हुई ये चंद्र क्षेत्र तक घुस गई, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ पत्नी से भी सहयोग मिल जाता है। उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति या पैतृक काम से जुड़कर व्यक्ति काम कर लेता है, क्योंकि एक चंद्र पर्वत से लेकर चलने वाली रेखा भी इसको यहाँ पर जोड़ देती है। साथ ही साथ एक रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से एक और निकली है, ये भी यहाँ जाकर जुड़ रही है। तो लगातार जीवन में ट्रेवल्स और रेखाएं तो बहुत सारी हैं। साथ ही साथ इतना सारा जाल जो यहाँ पर एक बना हुआ है, ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ये मानसिक तनाव देता है और खराब स्वास्थ्य का भी संकेत यहाँ पे दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने यहाँ बात की थी, और एक रेखा ये जाके चंद्र क्षेत्र फिर मस्तिष्क रेखा में घुस गई, यानी फिर से बार बार इंडिकेशन है। स्थान परिवर्तन लाइफ में जरूर होंगे, दुकान परिवर्तन, मकान परिवर्तन, दूर यात्राओं से जुड़कर काम करना, दूर जाके पैसा कमाने की स्थिति बनती है। मंगल क्षेत्र से देखिए कितनी सारी रेखाएं आपके लिए निकल रही हैं, ये देखिए। जब मंगल क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं इस प्रकार से आयु रेखा को काटते हुए भाग्य रेखा तक पहुंच जाती हैं, तो अधिकतर मैंने यहाँ देखा है जीवन में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन व्यक्ति उन अड़चनों को पार करता चला जाता है, क्योंकि जो रेखा आपकी यहाँ से निकल कर ये भाग्य रेखा यहाँ पहुँच रही है, और पूरी ये रेखा देखिए पूरा एरिया पार करके भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुँची। रेखा जब अपने स्थान तक पहुँच जाए, जो साफ तौर पर दिख रही है कि यहाँ पहुँच गई, भले ही जीवन में अड़चने कितनी आए, लेकिन व्यक्ति चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करता रहता है। जीवन में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन गति थमती नहीं है। आयु रेखा को देखो आप, आयु रेखा काफी मोटी है, लेकिन साथ में उसको मिल रही है एक मंगल रेखा का पूरा सपोर्ट। इसको आप अधूरी आयु रेखा ना माने, क्योंकि इसको सपोर्टिव रेखा भी मिला हुआ है, और आयु रेखा का गणन हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, इन सबके कैलकुलेशन से बनता। तो अभी भी मुझको आपकी बहुत आराम से आयु 72-73 वर्ष तो दिख ही रही है, और ये रेखाएं आगे चेंज भी हो जाएंगी। वर्तमान में आपकी उम्र है 41 वर्ष। शुक्र क्षेत्र देख लीजिए, शुक्र क्षेत्र अपने आप में पूर्ण है, बलि है, किसी प्रकार का दबा पर्वत नहीं है, बहुत उठा हुआ पर्वत नहीं है। जीवन में सुख सुविधाओं का भोग होता रहेगा। एक चीज मैं आपको ये बताऊं, ये जो रेखा जब जब मैंने जिन लोगों के हाथ में देखी है, ये घर से दूर भी ले जाती है, स्त्रियों से लाभ भी दिलाती है, विदेश यात्रा भी कराती है, लेकिन व्यक्ति को जीवन में चरित्र के प्रति भी सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई समस्या में आप आ सकते हैं। चलिए लगभग लगभग अब बात कर लेते हैं आपकी, ये तो रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जितनी सारी राग देखा जा रही है सब मंगल रेखा है, लेकिन यहाँ से ही जो जाल बना हुआ है, स्वास्थ्य के लिए मुझको ज़्यादा अच्छे इंडिकेशन आपके हाथ में नहीं दिखते। मैं बाद में आपको सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगा जो आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। आपकी उम्र हो चुकी है 41 वर्ष, और ये देखिए आपकी ये भाग्य रेखा, ये यहाँ तक गई है सीधी, साथ में यहाँ से खुली हुई है एक सपोर्टिव रेखाएं। 35वें वर्ष के बाद, यानी लाइफ में देखने में लगता है कि 35 वर्ष में कोई चेंज आया होगा, किसी भी चीज़ को लेकर, कोई काम को लेकर, कोई नया काम शुरू कर लिया या कुछ नया तरीके से आया है,
उसके बाद यानी 34 से 36 वर्ष में तो कुछ चेंज है, लेकिन उसके बाद जितनी भी रेखाएं आगे चल रही हैं ये सपोर्टिव भाग्य रेखा हैं। व्यक्ति एक दो तरीके से, एक से अधिक तरीके से पैसा कमाता है, और जीवन में आने वाले समय में देखा जाए तो लगभग लगभग 43वें वर्ष के बाद अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी खरीदने के यहाँ योग बन रहे हैं। तो आप बिजनेस के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो देखिए 2021 तक आपके जीवन में बिजनेस को लेकर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स बना रहेगा। गलती से और जल्दबाजी से बचिएगा, वरना आप अपना नुकसान कर सकते हैं। मान सम्मान आपका बना रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। फैमिली से रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अंततः आपके फेवर में ही होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन संतान हानि के योग आपके इस हाथ में दिखे हैं। संतान हानि से मतलब मेरा यहाँ यह है, संतान तो आपको जीवन में होगी, लेकिन संतान हानि, गर्भपात की स्थितियां ज्यादा दिख रही हैं आपकी पत्नी को। साथ ही साथ संतान से मनमुटाव के कॉम्बिनेशन भी यहाँ दिखते हैं। थायराइड और डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम आपको दिख रही है। शनि क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिए ये इस प्रकार का बना हुआ, यहाँ एक जाल, एक ये रेखाओं का जाल यहाँ बना हुआ है। तो स्टाफ की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, देखिए शनि का संबंध बहुत ज़्यादा स्टाफ से होता है। और जहाँ तक मैं आपके चंद्र क्षेत्र को देखूँ तो थोड़ा सा मुझको ये भी लगता है कि आप जितनी स्थिति उनसे चाहते हैं वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते। मैं तो ये सब कहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को घटा लीजिए, हो सकता है आपका स्टाफ से स्थितियाँ बेहतर होती चली जाएँ। आपने ये भी पूछा कि हमारे इष्ट देव या लॉर्ड कौन है। भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। पूजा के तौर पे मैं बताऊं, नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सिर्फ एक ही पूजा आपको करनी है, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करना है। हिंदी हिंदी पढ़ लीजिए उसकी बस। रत्न के बारे में बात करूं, आपके लिए सबसे फायदेमंद रत्न रहेगा फायर ओपल। चांदी में इस वाली उंगली में एक अच्छा सा फायर ओपल, कम से कम 10.25 11 रत्ती का आप पहनो। आप चाहें तो हमसे प्राप्त करके मंगवा सकते हैं इसको। ये पहनना है आपको, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो लगभग लगभग आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, व्यापारिक रेखा, सभी के बारे में बात की। हाथ का सबसे कमजोर क्षेत्र चंद्र पर्वत पर, इतनी सारी रेखाएं जो यात्राएं कराती हैं तो टेंशन्स भी देती हैं। मंगल रेखाएं अच्छी खासी हैं आपके लाइफ में, जो आपके साहस को बढ़ाती रहती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोफेशनली तो मुझे कोई इतनी चिंता आके भविष्य में दिखती नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के तौर पर चिंता की लकीरें हैं। थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा वर्कआउट शुरू कीजिए, साथ ही साथ देवी कवच पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो पूजा बताई है, जो रत्न बताए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, आपको यहाँ फायदा मिलेगा। आशा करता हूँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब मैंने यहाँ दे दिए होंगे। नमस्कार।